ठीक है, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ, और आपका नाम बताएं पहले तो। जी मेरा नाम अब्दुल लतीफ है सर। अब्दुल लतीफ कहाँ पर हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं रहने वाला इंडिया का हूँ सर, और मैं सऊदी में जॉब करते हैं, बस ड्राइवर। ओके, तो आप बताएं क्या क्या मसला है सर। मसला ये, मेरा एक फ्रेंड जुड़ा था फेसबुक से, और उसने मैं बात हुई उससे, तो उसने कहा कि ठीक है आपका प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, बात करते हैं किसी कंपनी में। तो उन्होंने बात किया था एक टोनी जूस करके कोई कनाडा में दुकान है या कंपनी है। तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने भेजा और उन्होंने कहा कि फिल करके भेज दो मेरे पास, आपके वीजे का पूरा टोटल खर्चा कंपनी देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन का जो पैसा हो, मतलब $550 उन्होंने बताया। अभी तक हमने भेजा नहीं है सर, बस आपसे पूछना चाहता था, आपसे जानकारी लेनी थी। आपके व्हाट्सएप पे भी हमने भेजा था पूरा फॉर्म पेपर सर, तो कि पैसे उसको भेजा जाए सर कि ना भेजा जाए। फ्रॉड है, कोई भी कंपनी जो जो कनाडा की अगर उसको आपको नौकरी देनी है तो वो $550 बिल्कुल नहीं चार्ज करते, और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं चार्ज करते। जो लॉयर होता है वो भी चार्ज नहीं करता, या ICCRC कंसल्टेंट है वो भी चार्ज नहीं करता कैंडिडेट से, वो चार्ज करते हैं कंपनी से। तो आपको आपको अगर $1 भी कोई चार्ज कर रहा है, डेट मीन्स के दाल में कुछ काला है। तो ये आपको पैसे ना भेजें, वो फ्रॉड हो जाएगा। और उनसे उनसे सिर्फ ये कहें कि हमें को जॉब ऑफर पहले भेजें, जॉब ऑफर को स्टडी करेंगे, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो अप्लाई करेंगे। कंपनी का जॉब ऑफर चाहिए, कंपनी का LMIA चाहिए, कंपनी के बारे में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि कौन ये कंपनी कहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड है, कहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वगैरह, एटलीस्ट इतना तो पता लगे। जी सर, उन्होंने यही सब पेपर भेजा था, मेरे पास पूरा टोटली पेपर है सर, आपके व्हाट्सएप पे हमने भेजा था। बस आपसे मैसेज किया था सर कि आप चेक करके बता दीजिए प्लीज मुझे कि ये सही है या फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने पैसे नहीं भेजे थे, $550 बताए उन्होंने, यहाँ के करीब 1800-1900 रियाल बनते हैं। तो हम सोचे सर कि कहीं मेरे साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ सर कि फ्रॉड हो। व्हाट्सएप पे क्या नंबर है आपका? व्हाट्सएप पे देखता हूँ मैं, क्या नंबर है व्हाट्सएप पे? जी मेरा नंबर है 9068908 हाँ मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड में देख रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन ये नकली है सारा, टोनी जोस ये टोनी जोस सी फूड प्लेस, जी जी हाँ ये नकली है सारा सारा 100% नकली है। जी थैंक यू सर, बस यही जानकारी लेनी थी सर। और हम यहाँ जिप्सम डेकोरेशन का भी काम करते हैं और ड्राइवर भी हैं, दो काम है यहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा कहा और फॉर्म भेजे, हम फिल करके भेज दिए सर, फिर पैसे नहीं भेजे क्योंकि कई फ्रेंड हमारे फंस चुके हैं इसमें। अच्छा हुआ किस्मत सर आपका बहुत बहुत अच्छा है सर, आपका वीडियो हमने देखा फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। चलो ये वीडियो भी लोग और देख रहे हैं या देखेंगे, और इससे भी थोड़ा उनका बचाव होगा। आपके खून पैसे की कमाई है, ऐसे इधर उधर वेस्ट ना हो जाए। और जी, बहुत शुक्रिया सर। अभी तो 550 बच गए, नहीं तो 550 भी जाते और आगे पता नहीं और कितने जाने वाले थे। तो बहरहाल आप उनको बता दें कि भाई आपको जॉब नहीं चाहिए, चाहिए जैसी उनसे कहना कि भाई कि अगर कोई बात करनी है इस मसले पे तो कहना भाई मेरे को कॉल कर लें, और मैं देखना चाहता हूँ आदमी कौन है, कहाँ बैठे हैं ये लोग, कहाँ कंसल्टेंट है, कहाँ एड्रेस है इसका। मैं आपके ईमेल पे सेंड किया था सर, इसमें लिखा हुआ है जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स इंटरनेशनल लाइसेंस इस कंपनी, उसमें टोटली दिया हुआ है सर, मैं उसका ईमेल भी आपके पास सेंड कर दूंगा। आप छोड़े उसको, मेरे को आप बताएं आपको फोन कॉल आया कहां से था, ये कहां से आदमी? कनाडा से ही आया सर, कनाडा से। हाँ कनाडा का क्या नंबर आपको मैं बता सकता हूँ? हाँ तो नंबर कॉल करके उन्हें बता देना कि आपके अगर कोई बात करनी है तो मेरे से बात करें। जी थैंक यू सर। हाँ ये लेकिन उसके कागजात जो हैं सब नकली हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, थैंक यू खुदा हाफिज़ सर। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। थैंक यू।